हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू सुप्रीमो क्लासेस आई होप यू आर सेफ एंड हेल्दी एंड इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस इम्पोर्टेंट एंसिट्यूट ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 और इसे ही हिंदी में जैव विविधता अधिनियम 2002 कहा जाता है और ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल है सो वॉच दिस वीडियो टिल एंड एंड विदाउट वेस्टिंग यूर टाइम लेट्स बिगिन द वीडियो जिकल डाइवर्सिटी एक्ट टू थाउजेंड टू कम इन टू फोर्स तो एक्ट एनफोर्स हुआ एनएक्टेड हुआ वन अक्टूबर टू थाउजेंड थ्री को इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इज ऑब्जर्व ऑन कब सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डायवर्सिटी तो ट्वेंटी टू मे को

बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी एनबीए जो है वो बायोलॉजिकल बायोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी एक्ट में स्टेब्लिश की जाती है एनवामेंटल प्रोटेक्शन एक्ट में तो सभी पावर्स और फंक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट को है वाटर एक्ट में वाटर एक्ट में सेंट्रल बोर्ड स्टेट बोर्ड है और ईयर एक्ट में सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एंड स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 इज़ अ करेक्ट आंसर वाई वॉट द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट टू थाउजेंड टू पास क्यों मेन ऑब्जेक्ट इसका क्या था ये एक्ट पास करने का तो फर्स्ट था टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी तो जैविक संसाधनों का संरक्षण करना इसका मेन हेतु था फर्स्ट और नेक्स्ट क्या था मैनेजेड सस्टेनेबल यूज एंड एलेम एनेबल

को संरक्षित रखकर वर्तमान और भावी पीढ़ियों के कल्याण के लिए इसके लाभ के विवरण की प्रक्रिया को सुनिश्चित करना था तो इसके दो मेन ऑब्जेक्ट थे और इसका जो इसका आंसर है बोथ ए एंड इज करेक्ट तो ये मेन हेतु थे इसके मेन ऑब्जेक्ट था इसका टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी एंड मैनेज इट सस्टेनेबल यूज इसका ऐसा यूज करना है एंड एनेबल फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग बेनिफिट्स आर आउट ऑफ द यूज ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज विद द लोकल कम्युनिटीज बायोडाइवर्सिटी हैज़ बीन डिफाइंड अंडर सेक्शन टू बी में बायोडाइवर्सिटी को डिफाइन किया गया है डैश मीन्स द वराबिलिटी एमोंग लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर ऑल सोर्सेस एंड द इकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सेस ऑफ विच दे आर पार्ट एंड इंक्लूड डाइवर्सिटी विद इन विद इन स्पेसिस और बिटवीन स्पेसिस एंड इको सिस्टम तो इसका आंसर है फर्स्ट बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्या है ये तरह तरह के जो जंतु जातियाँ है इनकी उपस्थिति को जैव विविधता कहते हैं इसमें कौन कौन सी विविधता होती है आनुवंशिक विविधता होती है जातीय विविधता होती है और परिस्थितिकीय विविधता होती है

फ्यूचर जनरेशन के लिए भी रिसोर्सेज बसे जाती इज सस्टेनेबल यूज मी यूज ओके ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर विच सेक्शन डील विद एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी तो सेक्शन एट है विच डील्स विद एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी द हेड ऑफिस ऑफ द नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी बी एट ए याद रखना है आपको लग सकता है मुंबई है दिल्ली है लेकिन इसका हेड ऑफिस जो है नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी का तो वो चेन्नई में है तो ऑप्शन ए इज करेक्ट है वीच ऑफ द फॉलोइंग आर द बायो बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स इन इंडिया तो वेस्टर्न घास्ट और ईस्टर्न हिमालया बोथ वन एंड टू आर दॉ हॉट स्पॉट्स हॉट स्पॉट्स इन इंडिया फॉर बायोडाइवर्सिटी वैन वॉट देंट्रल गमेंट एस्टैब्लिश द नेशनल बायो डाइवर्सिटी अथॉरिटी दैट इज़ एन एन बी ए शॉर्ट फॉर्म में इसे कहते हैं टू इम्प्लीमेंट इंडियाज बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट तो इन टू थाउजेंड थ्री में सेंट्रल गवर्नमेंट एस्टेब्लिश द नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट ईयर याद रखना है अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो